दिल्ली में दिन दहाड़े गोलीबारी की एक और खबर सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देते हुए हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की सुस्ती के आगे अपराधी बेखौफ है। अपराधी सरेआम वारदात करके निकल जाते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती रह जाती है। दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले चार दिन में दिल्ली में तीन बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई। एक तरफ सागरपुर में लूट के इरादे से युवक की हत्या कर दी गई, तो द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि ग्रेटर कैलाश में लूट के मकसद से महिला पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं अब दिल्ली में फिर दिन दहाड़े गोलीबारी की एक और खबर सामने आई। सूचना के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने शख्स के ऊपर एक नहीं बल्कि दो तीन बार फायरिंग की, लेकिन संयोग से उसे एक ही गोली लगी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं। देश की राजधानी का हाल ये है कि यहाँ दिन दहाड़े बदमाश लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार हो रही इन वारदातों ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।